दोस्तों ये है 2024 मॉडल रेनॉल्ट की काइगर और एक बेस्ट लुक वाली भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। अगर आप ब्रेजर देखने जा रहे हैं या फिर अगर आप स्विफ्ट देखने जा रहे हैं, टाटा की पंच, नेक्सॉन, किया की सोनेट या फिर सेल्टास समझ लो, तो मैं बात करूंगा भाई कि एक बार मैं एक सलाह आपको दूंगा कि एक बार रेनॉल्ट की काइगर जरूर देखें। बहुत सारे यूट्यूब पर आपने वीडियो भी देख रखी होगी, बहुत लोग बोलते हैं अंडर पावर है, क्या है क्या है। देखो भाई, गाड़ी कोई भी हो, जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी टॉप स्पीड 140 120 30 तक जाती है, ठीक है। अब आप बताओ कि इतनी तेज़ अगर आप चलाओगे तो ट्रक के पीछे देखो कहीं के लिखा रहता है ट्रक में, जिनको जल्दी थी वो चले गए दुर्घटना से देर भली। तो भाई अगर गाड़ी भाई कोई भी टू व्हीलर और फोर व्हीलर अगर आप अपने हिसाब से चलाओगे कि कंट्रोलिंग उस पर बनी रहे, तो गाड़ी का मेरे का मकसद है कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की गाड़ी या बहुत ज़्यादा भाई तुरंत ही वो पकड़ ले रॉकेट जैसा, तो ऐसा तो यार नहीं होता है। आराम से चलने के लिए शान की सवारी गाड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप देखोगे भाई तो कम बजट में सबसे बेहतर कार आपको मिलेगी रेनॉल्ट की काइगर। और ये है भाई चाबी जो कि स्पॉन्सर करती है भाई सीधा काइगर को। और ये देखो आप पूरा चाबी इसका जो है, पता है इसमें एक सिस्टम है, इसके पास जब हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये अनलॉक हो जाती है। ये चीज़ सबसे बढ़िया इसका है। और जैसे ही हम इससे दूर जाते हैं तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। ये सबसे बेहतर भाई फीचर इस गाड़ी का लगा। और कई सारे यूट्यूब पर मैंने वीडियो देख रखा है, इसके बहुत सारे लोग कमियां बताए हैं, जो कि मैं खुद इस गाड़ी को ले रहा हूँ। मेरी गाड़ी वहाँ पर वाइट कलर खड़ी है भाई, ये है मेरी वाली, ठीक है। इसका भी डिलीवरी वीडियो बनाऊंगा। ये गाड़ी को मैंने ख़रीदा है और कई सारे फीचर्स को मैंने जो जो कमियां बताया उसको मैंने खुद चेक किया, सब कुछ बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे गाड़ी को लेने के बाद हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा इस कार का, वो मैं आपको डेली वीडियो बनाऊँगा इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पूरे ब्लॉग वीडियो मिलेंगे कि माइलेज कितना दे रही हो, कितना मैं चल रहा हूँ, क्या बिल्ड क्वालिटी है, कहाँ कहाँ मैं गया, सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। अगर आप रेनॉल्ट की काइगर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, पूरा वीडियो उसका मिलेगा। तो ये जो वेरिएंट है ये है RXT ऑप्शनल, ठीक है, यानी कि टॉप से एक नंबर नीचे समझ लो कि सेकंड टॉप मॉडल है। तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से, कलर ऑप्शन आपके पास है इस तरह से। इसके अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पर LED वाले DRS और ब्लिंकर्स यहाँ पर मिलेंगे। क्रोम का यहाँ पर आपका पूरा फ्रंट का ग्रिल रहेगा, यहाँ पर रेनू की बेजिंग है, यहाँ पर भी आपको ब्लिंकर और कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। प्योर विजन के LED हेडलाइट इस गाड़ी में आपको ट्रिपल मिल जाते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये आपका प्योर विजन का लाइट रहेगा। ये पूरा इस तरह से हेडलाइट का सेटअप इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। काइगर की बेजिंग है और सामने का जो ग्रिल है यानी कि आपका इस तरह से रहेगा ब्लैक में, और स्किड जो है यानी कि बम्पर आपका स्किड प्लेट कुछ इस तरह से मिलने वाला है। बम्पर आपको डुअल टोन फिनिशिंग के साथ मिलेगा इस गाड़ी का, ये देखिए आप सामने का लुक। तो गाड़ी बहुत ही शानदार है भाई लुक में, जिसको समझ लो कि चार अवार्ड मिले हैं भाई इस गाड़ी को, बेस्ट ऑफ द ईयर, बेस्ट ऑफ द कम्पैक्ट SUV, बेस्ट इन लुक, और उसके बाद मतलब बेस्ट डिज़ाइन, काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। यहाँ पर आपका वाशर और वाइपर, सामने का कांच ग्लास कुछ इस तरह से मिलता है, और इसके जो RBM है यहाँ पर इस तरह से दिए गए हैं ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ब्लैक LED वाले। यहाँ पर आपका इस तरह से मिल जाएगा इंडिकेटर, रूफ रेल कुछ इस तरह से मिल जाती है, आप देख सकते हैं पूरा रूफ रेल। यहाँ पर आपका इस तरह से दिया गया शार्क फिन एंटीना, आगे और ऊपर का भाग कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आपका दिया गया है, इस पर कुछ नहीं लिखा रहेगा। और अब इसकी एलॉय आप देख सकते हैं, इसके अंदर डायमंड कट में एलॉय मिलेगी। आगे आपको दो डिस्क ब्रेक, पीछे दो ड्रम, ABS, CVT ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, ये सारी फीचर्स आपको मिलेगी। सस्पेंशन भी आप देख सकते हैं, MREF का टायर दिया गया, और इसका जो व्हील्स है वो आपको मिलेगा 16 इंच का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 16 इंच के व्हील्स आपको मिल जाते हैं। 195/60 का टायर है, काफ़ी लंबा चौड़ा टायर दिया गया है, MREF का टायर है। सस्पेंशन देख सकते हो, इसकी मजबूती और बिल्ड क्वालिटी कुछ यहीं से आप अंदाज लगा सकते हो भाई गाड़ी का, ठीक है। तो ये रहेगा व्हील, और यहाँ पर साइड पे कुछ इस तरह से आप देखते हैं पूरा बढ़िया हार्ड प्लास्टिक वर्क इसके अंदर दिया गया है, ताकि काट यानी जंग ना लगे इस गाड़ी में कुछ इस तरह से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मड फ्लैप वगैरह लगाए गए हैं। डोर का जो हैंडल है वो ब्लैक फिनिशिंग ग्लोसी पर रहेगा। फ्यूल टैंक यहाँ पर आपका देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 40 लीटर का मिल जाता है। डायमंड किट में इस तरह से MREF का यहाँ पर टायर यहाँ पर भी मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये लगाया गया है, ताकि इसमें जंग वगैरह ना लगे, बारिश का मौसम है, मड फ्लैप यहाँ पर देख सकते हैं। अब पीछे की जो टेल लाइट है वो भाई सबसे यूनिक चीज़ है इस गाड़ी का, सबसे चीज़ यही इसका भाई खतरनाक लगता है, डेंजर। LED में यहाँ पर आपका मिल जाता है टेल लाइट, कुछ ही शेप में रिवर्स में लाइट दी गई है, और रिवर्स में कैमरा आपको मिलेगा। काइगर की ब्रांडिंग है, यहाँ पर आपका हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कुछ इस तरह से स्पॉयलर मिल जाता है भाई, सबसे गजब का। यहाँ पर आपको वाशर भी मिल जाता है इस वेरियंट में, इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये चीज़ जो है सबसे ज़बरदस्त इस गाड़ी का ये चीज़ लगता है, स्पॉयलर, ये देखो आप, और एंटीना, ये बहुत ही गजब का लुक देती है भाई इस गाड़ी को। और इस साइड से आप पीछे का पूरा लुक देख सकते हैं, पीछे आपको स्किड प्लेट इस तरह से सिल्वर में रहेगी, रेनॉल्ट की बैजिंग, 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर यहाँ पर बढ़िया दिया गया है, इस तरह से पूरी गाड़ी देख सकते हो आप रियर से।
तो गाड़ी बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार गाड़ी है भाई। सबसे बढ़िया फीचर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। आप बूट स्पेस देख सकते हो, आप इतना सारा बूट स्पेस इस गाड़ी में दिया गया है, ये देखिए आप देख रहे हो, एकदम काफ़ी अच्छा बूट स्पेस। ये दोनों सीटें जो हैं वो फोल्ड भी हो जाती हैं, यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। और स्पेयर व्हील जो है एक्स्ट्रा वाली, इसी के अंदर दी गई है, ये देखिए ठीक है इस तरह से। और इसमें पार्सल ट्रे भी दिया गया है, पार्टी वार्टी करना है तो यहाँ पर आप रख लो। तो सेंसर हो गया और यहाँ पर रिफ्लेक्टर कुछ इस तरह से, टेल लाइट, और गाड़ी आप दे सकते हैं। आप चलिए हम आपको दिखाते हैं, इस साइड से भी आप पूरी गाड़ी का वॉकराउंड ले सकते हैं, ये देखिए ठीक है, पूरा वॉकराउंड इस तरह से रहेगा इस गाड़ी का। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर, इंटीरियर भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है इस गाड़ी का। सबसे पहले सेकंड रो, तो सेकंड रो पे सबसे पहले आप इसका डोर देखो, मारुति सुजुकी ने तो आज तक बना ही नहीं पाए हैं कि इसमें आपको सबसे खास बात ट्विटर यहाँ पर और स्पीकर यहाँ पर मिलेगा। और इसका जो हैंडल है यानी कि इसका इंटीरियर कुछ इस तरह से डोर का मिलता है, देख रहे हो ये पूरा फिनिशिंग, आगे दिखाऊंगा तो लग्जरी फीलिंग्स आएगा आपको। ये देखिए पूरा आपका यहाँ पर होल्डर की जगह, यहाँ पर देखिए आर्मरेस्ट वगैरह, यहाँ पर आप बोतल वगैरह फ़ोन वगैरह रखते हैं, एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है वो भी यहाँ पर पूरा लेदर फिनिशिंग के साथ सीट रहेगा। इसका स्पेस देखो, क्रेटा का बाप है ये समझ लो आप, पूरा बढ़िया कम बजट में सबसे अच्छी गाड़ी। 12 वोल्ट की सॉकेट, रियर में एसी वेंट, यहाँ पर आपका स्पीकर वगैरह पूरा आप देख सकते हैं इस गाड़ी का, देख रहे हो हैंडल वगैरह यहाँ पर पूरा इस तरह से। इंटीरियर एलईडी में बढ़िया एलईडी लाइट आपको, रीडिंग लाइट मिलेगी, स्पीकर, और यहाँ पर उस तरह से आप डोर देख सकते हैं पूरा। तो इंटीरियर कहने का मतलब है कि बहुत ही अच्छा स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से भी आप देख सकते हैं, ये पूरा इस तरह से रहने वाला। आप देखो मेन डोर पर सबसे खास चीज़ पता है क्या है इसका, ये है हैंडल। अब ये चीज़ भाई आपको स्कोडा में मिलता है, जो कि वो भी फ्रेंच यानी कि जो है वो भी विदेशी कंपनी, ये भी फ्रेंच की कंपनी, 125 साल पुरानी कंपनी है भाई गाड़ी की सेगमेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से लॉक अनलॉक, ऑटो का पूरा ओ आर वी एम, पूरा इलेक्ट्रिक वाला रहेगा इस तरह से। स्पीकर, और यहाँ पर आप देखो कितना अच्छा स्पेस दिया गया है। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का ऑप्शन रेनॉल्ट का, यहाँ पर आपको सीट भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, सीट इस तरह से पूरा देख सकते हैं हम। स्टेयरिंग पर आपको बढ़िया कंट्रोल मिल जाएगा इस तरह से, वॉइस असिस्ट का भी सिस्टम है यहाँ पर, आपका डिफोगर वाइपर एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हेडलाइट सेटिंग करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आपका ये डिजिटल मीटर आपका पूरा मिल जाता है ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ये रहेगा सिल्वर फिनिशिंग एसी वेंट ठीक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा सिल्वर फिनिशिंग रहने वाला है। 8 इंच का इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो अब सबसे खास चीज़ यहाँ पर आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट में ही मिल जाता है। और हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखो, एक नंबर का यहाँ पर हैंड ब्रेक मिलेगा। 5 गियर की गाड़ी है भाई, 5 गियर यहाँ पर आपको मिल जाता है इस तरह से पूरा देख सकते हैं। चाबी मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, और यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा दिया गया है, आप चाहे तो जो भी चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, पुश बटन स्टार्ट है, यहाँ पर आपको पेनड्राइव वगैरह यहाँ पर आप लगा सकते हैं या फिर यूएसबी। ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट इसके अंदर आपका एसी भाई यहाँ पर देखिए दिया ही गया है इस तरह से। ये हज़ार स्विच दिया गया है यहाँ पर आपका, ये लॉक अनलॉक का सिस्टम देखिए इस तरह से लॉक अनलॉक हो जाएगा आपका, ये देखिए। और यहाँ पर आपका ये एसी बंट दिया गया ठीक है, जिस पर आपको क्रोम मिल जाएगा इस तरह से पूरा। और यहाँ पर देखिए ग्लोव बॉक्स आपको डबल दिया गया है ठीक है, इसके एक्स्ट्रा चाबी एक नीचे भी यहाँ पर आपका ग्लोव बॉक्स दिया गया है। स्पीकर यहाँ पर देखिए, और दूसरा डोर भी देखो आप, वीआईपी फीलिंग आपको मिलेगी भाई इस गाड़ी के अंदर, ये समझ लो आप। मेरी फर्स्ट कार है और पहली कार मैंने भाई इसी को ख़रीदा है, बाकी देखेंगे आगे क्या होता है इसमें भाई, पता नहीं क्या चीज़ दिया गया है। और ये आपका लाइट यहाँ पर मिल जाता है ठीक है, यहाँ पर भी आपको लाइट इस तरह से मिल जाती है एलईडी वाली। सन रिफ्लेक्ट प्रोटेक्शन यहाँ पर, आईआरवीएम कुछ इस तरह से, डैशबोर्ड एक नंबर का, 4 एयरबैग भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है, यानी कि सेफ्टी भी सबसे बेहतर मिल जाती है। तो 4 एयरबैग मिल जाता है, और यहाँ पर पूरा इस तरह से देख सकते हो आप ठीक है, ये इस तरह से, ये चीज़ आप देखो कितनी बेहतरीन फीलिंग देती है। अदर गाड़ियाँ ये खाली खाली रहती हैं, देखो ये फीलिंग्स आपको कोई भी कार में नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत की, तो ऑन रोड कीमत की अगर हम बात करें भाई, तो 8,48,000 इसके ऑन रोड कीमत, यानी कि 8.5 लाख रुपए की ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है। तो ये आपको पड़ेगी नानावती रेनॉल्ट पिपलोद सूरत गुजरात। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।